दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस प्ले राइट जॉर्ज बर्नार्ड शो का एक बहुत ही फेमस प्ले जिसने उनको बहुत फेम दिलवाई, सेंट जॉन। दोस्तों इस प्ले के लिए आप में से कई सारे व्यूअर्स कहेंगे कि काफ़ी पहले वीडियो बनानी थी, आज आप बना रहे हो। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी सब्जेक्ट पर ढंग की कोई परफेक्ट वीडियो नहीं बना सकता जो किसी के काम आए, तब तक मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो आज मैं इस प्ले को डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब ये प्ले जो है एक्ट्स में डिवाइडेड नहीं है दोस्तों, 6 सीन्स हैं इसके अंदर और एक एपिलॉग है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब कई सारे व्यूअर्स को ये प्ले समझ में नहीं आता, उसका रीज़न ये है कि उनको लगता है कि डायरेक्टली अगर प्ले को पढ़ लें तो वो समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये प्ले ऐसा नहीं है, इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। इसका बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है 100 ईयर्स वॉर से। अब डायरेक्टली इस प्ले को समझने से ये प्ले समझ में नहीं आएगा, तो दोस्तों आज मैं इसका बैकग्राउंड भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी में कैरेक्टर है एक जॉन ऑफ आर्क नाम की लड़की का, जिसका दूसरा नाम मेड ऑफ ऑर्लियंस भी है, उसको मेड ऑफ ऑर्लियंस भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो आगे कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये दोस्तों एक ओरिजिनल कैरेक्टर है हिस्ट्री का, मिडिवल हिस्ट्री का, और इसको फ्रांस की हीरोइन भी माना जाता है। दोस्तों ये कहानी तब की है जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 ईयर्स वॉर हुई थी। मैंने आपको बताया था, कई बार पहले बता चुका हूँ, जिसमें चौसर भी लड़ने गए थे। तो इसका जॉन ऑफ आर्क का भी उसमें उस लड़ाई में बहुत बड़ा रोल था, लेकिन ये फ्रांस की तरफ से लड़ी थी और बाद में इनको रोमन कैथोलिक सेंट बनाया गया 1920s में, बहुत बाद में जाकर। और तब जॉर्ज बर्नार्ड शो ने 2-3 साल बाद ये प्ले मतलब प्रीमियर करवाया था। और दोस्तों इसने जॉन ऑफ आर्क ने फ्रांस की बहुत हेल्प की थी इंग्लैंड के डोमिनेशन से बचने में। फ्रांस का जो भी एरिया इंग्लैंड ने कैप्चर कर रखा था तो इंग्लैंड के लोगों को वहां से हटाया इसने। और ये कोई बहुत बड़ी वॉरियर नहीं थी बल्कि एक पीसेंट गर्ल थी। ऐसा माना जाता है कि गॉड ने इसको ऑर्डर दिया था, गॉड से इसको ऑर्डर मिले थे फ्रांस के साथ इस लड़ाई में लड़ने में और फ्रांस को जितवाने में। उस वक्त फ्रांस के किंग थे किंग चार्ल्स 7, उनकी हेल्प करें और हेल्प की भी, लड़ाई जीत भी गई, लेकिन एंग्लो बर्गंडियन फोर्सेस ने इसको पकड़ लिया और 1431 में इसको जिंदा जलवा दिया गया, 19 साल की एज में, एक विच बोलकर, चुड़ैल टाइप की। इसकी बॉडी को जला दिया गया लेकिन इसका हार्ट, इसका दिल नहीं जलाया गया, क्योंकि विच का दिल नहीं जलाया जाता ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज लंबे टाइम बाद 1920s में इनको हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट सेंट माना जाता है और फ्रेंच यूनिटी और नेशनलिज्म का सिंबल भी माना जाता है, क्योंकि उस वक्त नेशनलिज्म को जगाया था लोगों के दिलों में इस जॉन ऑफ आर्क ने। तो ये है इस प्ले का बैकग्राउंड जो बताना ज़रूरी है इस कहानी को समझने के लिए। मैं डायरेक्टली कहानी शुरू कर देता तो समझ में नहीं आती। तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस प्ले को कब लिखा? जब सेंट जॉन को रोमन कैथोलिक सेंट बना दिया गया उस वक्त इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इनके कोई भी प्ले नहीं चल रहे थे उस वक्त, ये थोड़ा निराश हो गए थे। उस वक्त ये प्ले इन्होंने लिखा और 1923 में ये प्ले प्रीमियर हुआ। दोस्तों इसके साथ इनकी रेपुटेशन खूब बढ़ गई जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, और ये प्ले रिफ्लेक्ट करता है, शॉ ये मानते थे कि जिस वक्त सेंट जॉन को मरवाने में जो भी लोग शामिल थे जिंदा जलवाने में, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस वक्त वो लोग ये समझ रहे थे कि वो एकदम सही है। तो मतलब सिचुएशन वैसी थी। इस प्ले में 6 सीन्स हैं याद रखना और लास्ट में आखिर में एक एपिलॉग है। तो शुरू करते हैं। जॉन ऑफ आर्क एक सिंपल सी पीसेंट गर्ल होती है, उसे ऐसा लगता है कि उसे एक विजन आया, एक ऑर्डर मिला है सेंट मार्गरेट, सेंट कैथरीन और आर्क एंजल माइकल से। ये तीनों गॉड के सेंट्स हैं और इसको गाइड कर रहे हैं कि इसे क्या करना है। तो ये जाती है एक नोबल मैन रॉबर्ट डी बॉडरिकॉट के पास में, जो बंदा बहुत परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि इसके फार्म की मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही है। तो जॉन इसके पास आती है और बोलती है कि मुझे कुछ आवाज़ें गाइड कर रही है ऑर्लियंस की कमान संभालने के लिए, और अब मुझे इस काम के लिए आपके कुछ आदमियों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे देंगे? इसके अलावा ये उससे बोलती है, नोबलमैन रॉबर्ट से, कि मैं डॉफिन को, ये फ्रांस का राजा बनने वाला है डॉफिन, उसको भी हेल्प करूँगी। अब रॉबर्ट को उसका आइडिया बहुत ही रिडिकुलस लगा, लेकिन उसका जो आदमी है वो जॉन के वर्ड से बड़ा इंस्पायर हुआ। अब रॉबर्ट भी थोड़ा थोड़ा इंस्पायर होने लगा था धीरे धीरे, तो उसने जॉन को सपोर्ट किया कि अगर तुम बोल रही हो तो। अब क्या होता है, इस रॉबर्ट की मुर्गियाँ जो अंडे नहीं दे रही थी अंडे भी देने लगी। इस रॉबर्ट को क्या लगा कि सचमुच ये गॉड का एक साइन है
जॉन सच में एक डिवाइन इंस्पिरेशन बनकर आई है। अब ये डॉफिन के पास में लेकर जाता है कोर्ट में इसको। वहाँ पर वीक डॉफिन से ये बोलती है कि मुझे कुछ आवाज़ों से कमांड मिली है कि मैं आपकी हेल्प करूँ और आपको एक ट्रू किंग बनाने में, आपकी आर्मी के साथ, आर्मी तैयार करके आपको एक ट्रू किंग बनाने में आपकी हेल्प करूँ, इंग्लिश आर्मी को भगाने के लिए और फ्रांस की ग्रेटनेस साबित करने के लिए। ठीक है, और डॉफिन को राजी करने में ये सक्सेसफुल हो गई, अपने इस एक्सीलेंट वर्क में सक्सेसफुल हो जाती है इसको मनाने में। मानना पड़ेगा इस लड़की की लीडरशिप, बातचीत करने का तरीका, और लड़ाई के मैदान में भी ये बहुत ही अच्छा लड़ सकती थी, ये सब आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट सीन में क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पर पहुँचती है ऑर्लियंस में, और यहाँ पर डेनोइस नाम का एक आदमी और उसका पेज, उसका आदमी, ये दोनों वेट कर रहे थे कि कब हवा का रुख बदले और इनकी फोर्सेस ऑर्लियंस की कमान संभाले। तो इसमें और जॉन ऑफ आर्क में बातचीत होती है। तो ये बोलता है जॉन ऑफ आर्क को कि प्रैक्टिकल कंडीशंस वैसी नहीं है जैसी हम सोच रहे हैं, तुम्हारी इंस्पिरेशन अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशंस वैसी नहीं है, हवा का रुख अभी हमारे साथ में नहीं है। तो वापस वो जॉन ऑफ आर्क अपनी ऑरेटरी दिखाती है अच्छी खासी, इसको भी मना लेती है कि तुम तो फोर्सेस तैयार करो, बाकी चिंता मत करो। अब दोस्तों ये सीन एंड होता है और हवा का रुख भी इनकी तरफ हो जाता है, इनके फेवर में आ जाता है और ये सीन ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों ये लड़ाई शुरू होती है, तो दो बंदे आपस में, एक तो अर्ल ऑफ वारविक और जॉन डी स्ट्रॉगम, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि एक नॉर्मल लड़की में कैसे इतनी पावर हो सकती है, ये ज़रूर कोई विच है। अब बिशप ऑफ बीओवेस इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ये तीनों यही बात कर रहे थे आपस में। तो इस बिशप ने सोचा कि ये तो चर्च के लिए एक खतरा बन सकती है, स्ट्रॉगम्बर ने सोचा कि ये विच है, बिशप सोचते हैं कि ये चर्च के लिए खतरा बन सकती है क्योंकि ये लड़की बोल रही है कि डायरेक्ट गॉड से कम्युनिकेट कर सकती है। तो बिशप को इसलिए डर लग रहा था कि ये लड़की लोगों में नेशनल प्राइड डालना चाहती है जिससे चर्च की पावर कमज़ोर हो जाएगी और चर्च का यूनिवर्सल रूल ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये अर्ल ऑफ वारविक क्या सोच रहे थे, इनको लगा कि शायद ये लड़की एक सिस्टम क्रिएट करना चाहती है जिसमें किंग गॉड के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा बस और किसी के लिए नहीं। इससे क्या होगा, वारविक और इसके जैसे दूसरे लॉर्ड्स जो हैं इनकी पावर कम हो जाएगी, लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो इन तीनों ने तय किया कि इस लड़की को मरवाना ज़रूरी है। अब ये लड़ाई फ्रांस ने जॉन ऑफ आर्क की मदद से जीत भी ली दोस्तों। डॉफिन को चार्ल्स सेवन के नाम से राजा बनाया गया, लेकिन इस लड़ाई में जॉन ऑफ आर्क का इतना बड़ा रोल होने के बावजूद भी दोस्तों कोर्ट में इसको वो खास पॉपुलरिटी नहीं बढ़ी इसकी जो इसकी बढ़नी चाहिए थी। तो इसने डायरेक्ट चार्ल्स सेवन से पूछा कि ऐसा क्यों, तो इसको बताया गया कि शायद इतनी पॉपुलरिटी के वो लायक नहीं है। अब इसका काम हो गया, ये वापस अपने घर जाने की बात कहती है चार्ल्स सेवन से, लेकिन जाने से पहले ये चार्ल्स सेवन से कहती है कि घर जाने से पहले मेरी इच्छा है कि हम लोग पेरिस को और जीत लेते हैं। अब चार्ल्स डर जाता है इसकी ये बात सुनकर, क्योंकि वो इतना अचीव करके खुश है और वो आगे शांति से और बातचीत से बात करना चाहता है, लड़ना नहीं चाहता। तो उसने इसे साफ साफ वार्निंग दे दी कि अगर तुम इस कैंपेन में पकड़ी गई तो तुमको कोई बचाने नहीं आएगा, ना स्टेट, ना चर्च, ना मिलिट्री। तो जॉन को इस मोमेंट पर रियलाइज़ होता है कि जैसे वो अकेली पड़ गई है इस पूरी दुनिया में, लेकिन उसने कोर्ट में सबके सामने डिक्लेयर किया कि वो ज़रूर कामयाब होगी और वहाँ से चली गई और सारे के सारे उसे देखते रह गए, हक्के बक्के रह गए। अब कुछ महीनों के बाद में जॉन को दोस्तों जेल हो गई, उसे कैप्चर कर लिया गया था और स्ट्रॉगम्बर ने कहा कि इसको मरवाना ज़रूरी है। बिशप भी इसके साथ था और चर्च के ऑफिशियल्स भी। इसको कोर्ट में लाया गया और बार बार वो एक ही चीज़ बोल रही थी कि वो डायरेक्टली गॉड से कम्युनिकेट कर सकती है, बात कर सकती है और चर्च के लोगों की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बात पर ये स्ट्रॉगम्बर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसको बहुत टॉर्चर किया गया कि बताओ सच क्या है, क्या तुमको कहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। इसको सज़ा मिली ज़िंदगी भर जेल में रहने की और खाने के लिए इसको बस ब्रेड और पानी मिलता था। फिर इसने खुद ही डेथ की मांग कर ली कि इस तरह ज़िंदगी भर जेल में रहने से तो अच्छा है कि मर जाऊं। और स्ट्रॉगम्बर ने भी डिमांड की कि जॉन को एग्जीक्यूट किया जाए। इसके बाद में इसको ज़िंदा जला दिया गया
और इसके ज़िंदा जलाने से पहले इसको एक सोल्जर ने आकर जलने से पहले दो स्टिक्स दी थी एक क्रॉस की तरह। तो 19 साल की इतनी कम एज में इस लड़की को ज़िंदा जला दिया गया एक विच समझकर, लेकिन इसका हार्ट नहीं जलाया गया। और दोस्तों इसके कई सालों के बाद में इस प्ले के एपिलॉग में जॉर्ज बर्नार्ड शो बताते हैं कि इसके 25 साल बाद, इसकी डेथ के 25 साल बाद एग्जैक्टली, ये माना गया कि ये विच नहीं थी बल्कि इनोसेंट थी और किंग चार्ल्स के सपने में भी ये जॉन आई थी। और आज प्रेजेंट डे 1920s में इसको कैनोनाइज किया जा रहा है, यानी कि कैथोलिक चर्च में एक सेंट बनाया जा रहा है। इस प्ले की एड में जॉन कहती है कि सेंट्स मिरेकल कर सकते हैं, तो क्या अब मैं वापस लौट कर आ जाऊं इस अर्थ पर? तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, ये वर्ल्ड पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है कि आपके जैसे सेंट को अपना सके, आपके जैसे ग्रेट सेंट को अपना सके। और दोस्तों इसी के साथ ये प्ले ख़त्म होता है और इस प्ले की एंड में जॉन अकेली होती है और बोलती है कि मैनकाइंड कभी भी सेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि कब ये वर्ल्ड मुझे अपनाएगा। अब एक क्रिटिक ने ऐसा बोला है इस प्ले को पढ़ने के बाद में कि इस प्ले में बहुत सारी गलतियां हैं मेडिवल सोसाइटी के डिपिक्शन में। अब एक क्रिटिक ने ऐसा भी कहा है कि जॉर्ज बर्नार्ड शो की ओनली ट्रेजेडी है ऐसी ट्रेजेडी जिसमें कोई विलन नहीं है, जो विलन के बिना है। इसके अलावा दोस्तों याद रखो ये प्ले सेट है 1429 से 1431 के बीच में और इसका एपिलॉग सेट है 1456 में, प्ले के ख़त्म होने के 25 ईयर्स के बाद में। तो आई होप आपको ये प्ले समझ में आया होगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।